अस्सलामुअलैकुम, रेसिपी हब में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी खट्टी दाल, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, जिसमें मैं एक कप धुली हुई तुअर की दाल यानी कि अरहर की दाल हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने अच्छे से इसे 2 से 3 पानी से वॉश कर लिया है दाल को। अब कुकर में मैंने दाल ऐड कर ली है। अब इसमें मैं 3 बड़े साइज़ के टमाटरों को इस तरह से रफली चॉप करके ऐड करूँगी। तो ये मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। आप अगर दाल की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ानी है आपको, तो आप बढ़ा लें और उसी हिसाब से आप टमाटरों को भी एडजस्ट कर लें। अब यहाँ पे मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर इसमें ऐड करूँगी और 1 टीस्पून जितना ही रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी, साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक मैं इसमें ऐड करूंगी। अब यहाँ पे मैं इसमें 2.5 कप जितना पानी ऐड करके इस प्रेशर कुकर को बंद करके मैं इस दाल को पकने दूंगी ताकि अच्छे से गल जाए। तकरीबन 3 से 4 विसल के लिए मैं इस दाल को पका लूंगी। अब यहाँ पे क्योंकि खट्टी दाल है तो मैंने यहाँ पे इमली ले ली है, इसे अच्छे से मैंने वॉश करके इसमें अब मैं गर्म पानी ऐड करूँगी और इसे हम तकरीबन 15 मिनट्स के लिए, तब तक जब तक हमारी दाल नहीं पक जाती, हम इसे रख देंगे। यहाँ पे दाल में जो है प्रेशर आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से गल चुकी है, टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हमें इस दाल को मैश करना है, तो आप एक मैशर की मदद से या एक हैंड ब्लेंडर की मदद से इस दाल को जो है अच्छे से इस तरह मैश कर लें ताकि ये जो अब आपको जो ये सारी दाल लग रही है वो एकदम से प्यूरी फॉर्म में हो जाए। तो बस इस तरह से मैं एक दाल घोटनी की मदद से इस दाल को अच्छे से घोट लूँगी ताकि जो टमाटर वगैरह है सब अच्छे से मैश हो जाए। आप देखें अब किस कंसिस्टेंसी में मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी की हमें दाल चाहिए। अब वापस से मैंने कुकर को जो है गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी कुछ करी पत्ते, साथ ही साथ कुछ कटा हुआ हरा धनिया भी मैं इसमें ऐड करूंगी और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च को बीच में से स्लिट कर लिया है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पे इसमें मैं जो इमली को हमने भिगोया था उसका मैंने जो है पल्प निकाल लिया है, उसका पानी मैंने अच्छे से स्ट्रेन करके वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। खटास आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें, लेकिन ये दाल जो है वो खट्टी ही अच्छी लगती है, तो मेक श्योर करें कि आप थोड़ी ज़्यादा ही इमली ऐड करें। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे हम बॉयल होने देंगे ताकि जो इमली का एक कच्ची स्मेल होती है, एक कच्चा टेस्ट होता है, वो अच्छे से पक जाए। तो बस यहाँ पे हमारी जो दाल है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल हुई है। तो अब इसके तड़के की तैयारी हम कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें मैं 1 टीस्पून जितना क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़्यादा ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे मैंने 10 से 15 लहसुन की कलियाँ ली हैं जो कि मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें ज़ीरा और लहसुन का छौंक लगता है, इसमें हम राई नहीं ऐड करेंगे। तो बस इसे अच्छे से स्वर्ल करेंगे। लहसुन को हमें ब्राउन करना है। अब यहाँ पे मैंने 4 सूखी लाल मिर्च ऐड कर दी हैं, थोड़े से करी पत्ते भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस ये सिंपल सा तड़का जो है दाल का तैयार हो जाएगा। जैसे ही गार्लिक जो है अच्छे से ब्राउन हो जाएगा और एक खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी तड़के की, तब हम इसे दाल में ऐड कर देंगे। और इस तड़के को ऐड करते साथ ही फौरन हम इसे ढककर रख देंगे ताकि इसके फ्लेवर्स जो है वो अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएं। तो अब हमारी जो हैदराबादी खट्टी दाल है बिल्कुल रेडी है। ये प्लेन वाइट राइस के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगती है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।
तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।